कमलेश्वरी, तुम क्या तब से पांचवी बार पलंग का भ्रमण कर रही हो? एक बार में नहीं मिला तो क्या दूसरी बार में चमत्कार से ताज मिल जाएगा क्या, जिसे तुम महाराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दोगी? हमने पहेली का अर्थ ही गलत समझा है। शांत, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। तुम्हें नहीं कह रहा हूं, अम्मा को कह रहा हूं। अम्मा शांत, मुझे दो क्षण शांति से सोचने दो। एक राजा की अनोखी रानी, दुम के सहारे पीती पानी, जब तक पिए रहे जवानी, ना पिए तो मर जानी। अम्मा, हमें भ्रमित किया गया है, छल हुआ है हमारे साथ। मैंने जो अभी दोहराई वो ही सही पहेली है, और उसका उत्तर है दिया, अर्थात महल का दीप स्तंभ। अरे आइए आइए पंडित रामकृष्णा, बिल्कुल सही स्थान पर आए आप। धनी मनी जी, गुरुजी, तनिक पंडित रामकृष्णा से थोड़ा खेद व्यक्त कर दीजिए, इन्हें आने में थोड़ा विलंब हो गया और ताज हमें मिल गया। अब ये ताज हम स्वयं अपने हाथों से महाराज को देंगे। पंडित रामकृष्णा, तुम्हारी हार और बीरबल की जीत के बीच मात्र एक ताज की दूरी है। बिलबल, तू एक धोखेबाज निकला। तूने लामा के साथ चल गया, उसे गुमला के। मैंने तुम्हें अपना भाई और अम्मा ने तुम्हें अपना पुत्र माना था, ये सब देख के हम क्या समझे? हाँ, पंडित रामकृष्ण जी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने आपके साथ छल किया? यदि हाँ तो मैं अभी इसी समय प्रतिस्पर्धा छोड़ के चला जाऊं। नहीं, छल तो हुआ है, किंतु जानता हूं कि तुमने नहीं किया, गुरुवर ने किया है। ये भी जानता हूं कि छलने वाले से अधिक दोष छले गए व्यक्ति का होता है, किंतु तुम भी याद रखना बीरबल, कि हर वो जीत जो छल और कपट के खोखले आधार की नींव पर खड़ी होती है, वो कभी भी गिरकर धराशायी हो सकती है। उच्चतर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं वचन देता हूँ कि अब से इस प्रतिस्पर्धा में मैं कोई छल नहीं होने दूंगा। माँ, न जाने अगली पहेली क्या होगी। अब बारी है चौथे ताज को ढूंढने की, और उसकी सूची कुछ इस प्रकार है। जिसका प्रेम बेमिसाल लाजवाब है, जिसके चरणों में चारों धाम है, जिसकी पूजा हर कहीं तमाम है, जिसे अपने सारे बच्चे प्यारे हैं, वही तो इस जगत का निर्माता है। इस पहेली में ही जिसका नाम आता है, उसी के पास आपका भी काम आता है। कुछ कठिन लग रही है पहेली ये तो। आप लोग पहेली सुलझाइए, हम चलते हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। ये तो ईश्वर से संबंधित है, पर कौन से? तो क्या अब उत्तर के लिए हमें सारे मंदिरों में जाना होगा? हाँ तो ठीक है, हम उत्तर के लिए विजयनगर के सभी मंदिरों में जाएंगे। चलो 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 चलो, आइए आइए, चलिए। आओ आओ, आ जाओ। पंडित रामकृष्णा,
हमारे अनुमान से ही अब तक की सबसे सरल पहेली है। मंदिरों में जाइए और ताज लेकर आइए। चलो शीघ्र करो, वो लोग यहाँ से चले गए। ये हिल क्यों नहीं रहा है? क्या किसी पालकी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है? पता भी है विजयनगर में कितने मंदिर हैं? चल शीघ्र चल। नहीं अम्मा, मुझे केवल माँ के मंदिर में जाना है। परंतु क्यों जाना है? जिसे अपने सारे बच्चे प्यारे हैं, वही तो इस जग का निर्माता है, और निर्माता में ही माता का शब्द आता है, जिनका नाम इस पहेली में भी है। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे जीवन के हर कठिन से कठिन कार्य में सफलता मिली है। आज इस परीक्षा की घड़ी में भी तुम्हारी ही कृपा रही। तुम्हारी इस चरणों की भेंट को तुम्हारा आशीर्वाद समझ अपने साथ लिए जा रहा हूं। ये हमारे पास चौथा ताज आ गया है, जिसे ढूंढ निकाला है पंडित रामकृष्णन। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों प्रतिस्पर्धियों ने दो दो ताज ढूंढ निकाले। इस समय प्रतियोगिता के इस दूसरे पड़ाव में दोनों प्रतिद्वंदी दो दो की बराबरी पर हैं। और अब बारी है पांचवे और आखिरी ताज को ढूंढने की। जो भी इस पांचवे और अंतिम ताज को ढूंढेगा वही इस दूसरे पड़ाव का विजेता भी होगा। सप्त दिग्गजों के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने हेतु आपको दूरदृष्टि की आवश्यकता होगी। दूरदृष्टि तो हमारे पास है। आइए देखते हैं किसके पास है वो दूरदृष्टि। पढ़ते हैं सूची पत्र पांचवें ताज के लिए। विष्णु का जो अंश है, महान जिनका वंश है, मानते हैं वो गुरु जिन्हें, उसी में जीवन का सारांश है। बीरबल, महाराज तो पहेली का क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। वो कैसे? पहली पहेली राजमहल के अंदर तक सीमित थी, उसके बाद राजमहल से बाहर निकलकर विजयनगर के समस्त मंदिरों तक पहुंच गई, और अब सीधे विष्णु भगवान तक पहुंच गई। क्या बात है, इस पांचवी संकेत सूची के विषय में किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो क्या हम ये मान ले कि इस पांचवे और अंतिम ताज को ढूंढने के लिए आप दोनों में से कोई भी सक्षम नहीं है? महाराज जी, पंडित रामकृष्ण, भगवान विष्णु का जो अंश है, महान जिनका वंश है, वो तो हम सबके महाराज स्वयं सम्राट श्री कृष्ण देव राय है। और जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं उन्हीं में अपने जीवन का सार पाते हैं, और वो सार ही
आपके जीवन का सारांश है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ क्षणों के लिए अपने आसन से उठ जाएं। हाँ, पंडित रामकृष्ण, आप हमें हमारे स्थान से उठने के लिए कहकर हमारा अपमान कर रहे हैं और ऊपर से आप उसे विनति की संज्ञा दे रहे हैं, क्या है ये? गुरुवर, कृपया रुष्ट ना हो और पंडित रामकृष्ण को सहयोग दें। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमारे बगल में था जो हमें नहीं पता चला। हे भगवान, इस पांचवी पहेली की पंक्तियों में गुरुवर के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो सम्मान है, जो स्नेह है, उसका उल्लेख किया है और हमें अत्यंत प्रसन्नता है पंडित रामकृष्ण कि आपने हमारी भावनाओं को समझा और जो दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं, समझते हैं, जीत स्वयं उनकी तरफ चलकर आती है। तो इस प्रकार पांच में से तीन ताज पंडित रामकृष्ण ने खोज निकाले और स्पर्धा के इस पड़ाव के विजेता आप हुए हैं पंडित रामकृष्ण। तो इस प्रकार पहला पड़ाव बिरबल जीते हैं और दूसरा पंडित रामकृष्ण। और जैसे कि इस स्पर्धा की प्रथा रही है, जो विजेता होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तीसरे पड़ाव के आरंभ की। दो दरबान है सीना तान, एक है सच्चा एक है झूठा, दो द्वार आमने सामने, एक नरक को खुलता, दूसरे से स्वर्ग मिलता। पूछना है केवल एक ही प्रश्न, वो भी बस एक ही बार, और खोल कर कर आर और पार, जाना है स्वर्ग के द्वार। आप सब देख सकते हैं कि यहां पर दो द्वार है आमने सामने, दोनों के समीप एक एक दरबान खड़े हैं। इनमें से एक दरबान सदैव सत्य बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। अब दोनों प्रतियोगियों को क्या करना है? इन दोनों को किसी भी एक दरबान से एक प्रश्न पूछना है, परंतु स्मरण रहे किसी भी एक ही दरबान से केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके पश्चात आपको अपने
विवेक से यह निर्णय लेना है कि कौन सा द्वार खोला जाए। यदि आपने स्वर्ग का द्वार खोला तो आप विजयी हुए, और यदि नर्क का द्वार खुला आपसे तो आप पराजित हो गए। ओ अच्छा 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 अच्छा। एक और ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है, दोनों में से जो भी प्रतियोगी सर्वप्रथम प्रश्न पूछता है और द्वार खोलता है और वो यदि स्वर्ग का द्वार हुआ तो दूसरा प्रतियोगी बिना प्रश्न पूछने के अवसर ही पराजित हो जाएगा। परंतु महाराज, इससे विपरीत भी तो हो सकता है। जी महामंत्री जी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। यदि प्रथम प्रतियोगी ने नर्क का द्वार खोला तो जो दूसरा प्रतियोगी है वो बिना किसी प्रयास के ही ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। अतः हम तत्पर हैं ये देखने के लिए कि आप दोनों में से कौन सर्वप्रथम द्वार खोलने का प्रयास करेगा। बीरबल, ये कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा दरबान सत्य बोल रहा है कौन सा झूठ बोल रहा है? हमें तो चेहरे से ये दोनों कपटी लग रहे हैं। ये पहली तो चक्रव्यूह जैसी है। राजगुरु जी, ये बेहद जटिल और कठिन सी पहेली है। इसके हल के लिए हमें दरबान के उत्तर पर निर्भर ना रहकर पहेली में ही हल खोजना होगा, परंतु उसके लिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सोच तो पंडित रामकृष्ण भी रहा है, पर सोचने वाली बात ये है कि ये सोच क्या रहा है। किसी भी द्वार को खोलने से पहले अपने मस्तिष्क के सभी द्वार खोल लेना और शांति से विचार करना रामा। हाँ बंधु। तो बता रामा, अब क्या करेगा? स्वर्ग का द्वार खोलूंगा। अच्छा, तो क्या तुझे उत्तर क्या है पता है? नहीं, किंतु प्रश्न क्या पूछना है ये पता है। सुनिए, देखिए, पहली को हल करने के लिए पहले मत जाइएगा। क्यों? क्यों क्या? देख, उस गुरुवर के चेहरे को, उस पर साफ लिखा है कि उसे उत्तर ज्ञात नहीं है। और ऐसे में जब बीरबल पहली हल करने जाएगा तो डर के नर्क का द्वार ही खोलेगा। अम्मा, ये समय बीरबल के डर पर दांव लगाने का नहीं है। महाराज, मैं पहेली का हल निकालने हेतु दरबानों के समीप जाने की अनुमति चाहता हूं। क्यों बीरबल महोदय, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज, कोई आपत्ति नहीं। दरबान महोदय, यदि मैं उस द्वार के साथ खड़े दरबान से ये पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है तो वे किस द्वार की ओर संकेत करेंगे? धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.